फिलहाल अभी दिन के 12:30 बज रहे हैं एंड मैं और मम्मी गुवाहाटी के लिए निकल रहा हूँ अचानक से। यहाँ मम्मी का ट्रॉली वोली सब रख लिया। यहाँ अपना टिकट बन गया, फाइनली हमारा बस आ गया, अभी अंदर चलते हैं। फाइनली वी रीच कामाख्या, ये है कामाख्या जंक्शन। फाइनली ट्रेन आ गया और मम्मी को लेके अभी कोच की तरफ जा रहा हूँ। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बॉय प्रीतम, मैं वाचिंग यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद प्रीतम। होप सो जहाँ भी होंगे ताबड़ तो मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। फिलहाल अभी दिन का 12:30 बज रहा है एंड मैं और मम्मी गुवाहाटी के लिए निकल रहा हूँ अचानक से। क्यों, कहाँ, कैसे जा रहे हैं सब कुछ आपको बताएंगे। अभी फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि हमारे 2 बजे बस है, बस पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं तो अभी गैरेज से गाड़ी निकल चुके हैं, बाहर गाड़ी खड़ा है, मैंने बैग वैग सब रख लिया एंड कुछ इमरजेंसी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग। तो चलो चलते हैं अभी फटाफट। यहाँ पे गाड़ी निकाल ली और इधर मेरा बैग एक टू रख लिया, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये एक बैग है मेरा सिर्फ, क्योंकि मैं गुवाहाटी से वापस आऊँगा। और पीछे यहाँ मम्मी का ट्रॉली वोली सब रख लिया क्योंकि मम्मी निकल रही है आगे की जर्नी तक। तो अभी मैं गाड़ी में जाते जाते आपको सब कुछ बताता हूँ क्या हुआ केस। चलो निकलते हैं, बाय। निकल रहे हैं, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रोइंग। रोइंग पहुंच गए, ये है रोइंग मार्केट। अब जाके किशन से टिकट ले लेता हूँ। अपना टिकट बन गया तो अभी निकलते हैं। चल किशन बाय, निकलते हैं, थैंक यू। तो यहाँ पे आया था मैं ITBP कैंप के सामने में, यहाँ पे टिकट विकेट बना के रखा था किशन भाई ने। तो यहाँ मेरा गाड़ी पार्किंग है अभी, अभी जस्ट गाड़ी में ना यहाँ पे ठोक के गया बहुत बाइक, पर थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं है, सही है। तो फाइनली हमें छोड़ के चले गए गाड़ी, और यहाँ पे मम्मी और यहाँ पे सामान लोग। अभी गाड़ी 3 बजे आएगा यहाँ पे, ये रोइंग मार्केट है। ये हमारा बस आ गया, अभी अंदर चलते हैं, मम्मी को अंदर बैठा दिया, बस छोड़ दिया गुवाहाटी है। सो ये अपना बस देख सकते हो। 3 hours later, सो अभी हम लोग 300 पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं चटपटा मम्मी के साथ। ये अपना बस और ये नौ पोखरी स्टेशन। खाइए खाइए खाइए, क्या खाना खाइए। रात का भी 10 बज रहे हैं, हम लोग एक जगह में पहुंच गए, माइट बी शिवसागर है, और यहाँ के इस होटल में भी हम लोग खाना खाएंगे। तो अंदर चलते हैं, होटल शिवसागर, यस। तो चलते हैं अंदर। तो मैं यहाँ रोटी सब्जी लिया, मम्मी भी अभी रोटी सब्जी लिया। ऐसा कुछ अंदर का होटल है, अंदर है। The next morning. सुबह सुबह हम पहुंच गए हैं गुवाहाटी, और ये है अपना 6 माइल वाला एरिया। आगे पहुंचने वाले गणेश गुड़ी। पहले वी रीच कामाख्या, ये है कामाख्या जंक्शन, हैव अ लुक। तो मम्मी को भी यहीं पे, अभी यहीं से जाना है मम्मी का ट्रेन, यहीं से यहाँ पे ले जाएंगे, फ्रेश फ्रेश होंगे। ट्रेन का टाइमिंग तो बहुत देर है, बहुत टाइम है, 1:12 को है। तो ये हम लोग कैब से आया था अभी, चलो अंदर चलते हैं। फिलहाल स्टेशन में बैग वैग रख के हम निकल गए बाहर की तरफ, थोड़ा बाल बाल काट लेंगे। एंड ये कुछ माहौल है, ऊपर कामाख्या मंदिर है, पर मंदिर नहीं जा पाएंगे, नहाना वहाना नहीं हुआ ना, कि मम्मी को छोड़ के मैं भी निकल जाऊँगा, फिर नहाने वहाने करूँगा तो ड्रेस भी नहीं लाया हूँ मैं। पर ऐसा कुछ एनवायरमेंट है कामाख्या का। सो मिलते हैं आप लोग को। 3 hours later. पिछले 2-3 घंटे हो गए हम रेलवे स्टेशन में बैठा, और 1-2 बजे यहाँ से ट्रेन छोड़ने वाला सुनने मिले, ट्रेन ऑलरेडी लेट है। हैव अ लुक। फाइनली ट्रेन आ गया और मम्मी को लेके अभी कोच की तरफ जा रहा हूँ मैं। वाह, ये सामान लुक। तो मम्मी का ट्रेन अभी छोड़ने वाला है, टाइम हो गया। बाय बाय। हेलो भाई, जाए फोन करो। हैं, बाय बाय। मम्मी को छोड़ दिया एंड मम्मी चले गए यूपी की ओर नॉर्थ ईस्ट ट्रेन से। एंड वे अबाउट मैं 9 किलोमीटर चल के आया हूँ कामाख्या स्टेशन से पूरा यहाँ तक। थैंक यू भैया। ये जो जगह है ये आप कह सकते हो कचहरी एरिया गुवाहाटी का, यहाँ पीछे ब्रह्मपुत्र है। एंड द रीज़न बिहाइंड क्यों मैं आया, एक्चुअली परसों खबर आया था कि दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और दीदी अभी इलाहाबाद में एडमिट है। पिछले 10 दिनों से उसकी तबीयत ख़राब ही था, लेकिन इतना डिटोरेट नहीं हो रहा था, धीरे धीरे ज़्यादा डिटोरेट हो गया। तो
इमरजेंसी में हम लोग कल गाड़ी पकड़ के आ गए, वही मुझे बताना था आप लोगों को, तो अभी इस समय मिला तो मैं बता दिया आपको। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हूँ, अभी अंडा लिया हूँ, अंडा खाऊंगा एंड चाय का ऑर्डर दिया है यहाँ पे, एंड अभी यहाँ से निकल जाएंगे सीधा बस स्टैंड की ओर। तो ये है ब्रह्मपुत्र के पार, और यहाँ से मैंने रेपिडो बुक किया है, देखता हूँ कब तक आता है। एक पल्सर बुक किया है, The next morning. It's morning 5 a.m. अभी डिब्रूगढ़ आके पहुंचा हूँ, और यहाँ पे चाय पी रहा हूँ गर्मा गर्म। यहाँ पर चाय का स्टॉल है, एक घंटा बाद तिनसुकिया पहुंच जाऊंगा। 6.5 hours later. So guys, finally घर पे पहुंच गया। अभी दिन का about 11:30 बज रहे हैं। एक्चुअली बहुत पहले पहुंच जाता तिनसुकिया में आके ना, वो गाड़ी चेंज कर दिया, जो रोइंग आने वाला था वो जागुन चला गया, फिर मुझे रोइंग वाला गाड़ी के लिए वेट करना पड़ा बहुत देर, फिर रोइंग वाला गाड़ी 2 घंटा बाद में आया, फिर रोइंग मुझे पहुंचाते अबाउट 9:30 लगा दिया। 9:30 से मैं रोइंग में रुका हुआ था, कोई गाड़ी मिल जाए। लकीली मेरे दोस्त बॉम तेंगे गाड़ी मिल गया था, तो वो एकदम घर तक मुझे छोड़ के गया। तो अभी घर पे आके पहले 2 दिन से मैंने पूजा वूजा भी नहीं किया, अभी पूजा भी करूँगा। सबसे पहले कपड़ा वपड़ा धोना है, देखिए ये कपड़ा पहन के 2 दिन से मैं ट्रैवल कर रहा था, इसकी वजह से मैं कहीं मंदिर विजिट नहीं किया गुवाहाटी में। उसके पहले मुझे सब्जी वब्जी काटना है। यहाँ पापा, मॉर्निंग पापा। तो अभी हम दोनों ही रहेगा तो घर में अभी काम करना पड़ेगा, मम्मी नहीं है तो हम लोग को आज फूल गोभी का सब्जी बनाएगा पनीर के साथ। तो अभी पहले इसको काट लेते हैं, पनीर भी है यहाँ पे। पनीर कहाँ है पापा? ये तो ये है पनीर, उस दिन रख के गया था, मम्मी बोल रहे थे पनीर खा लेना घर में जाके ख़राब हो जाएगा, एकदम प्योर ऑर्गेनिक पनीर यहाँ का। तो पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे सब्जी काट के कम्प्लीट, अभी टमाटर काटना है, ठीक है, मजे से एकदम उसको बना के खाएंगे बढ़िया से। यहाँ मैं काट के गंदा लोग को फेंक दिया, देखिए हमें कीड़ा जैसे कुछ फंगस लग जाता है ना, ऐसे इन लोग को फेंक दिया, अब ये फ्रेशली। तो यहाँ कपड़ा धुलाना भी कंप्लीट हो गया है, अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं पापा क्या कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा तैयारी, ये गोभी को बॉईल करके उतार लिया पापा ने, देखिए गोभी, और इधर में पनीर को पीस कर दिया। अब आलू काटना है, यार क्या बनाएगा फिर? बैंगन, बैंगन फ्राई, बैंगन फ्राई भी बनाएंगे, और अभी आलू छील लेता हूँ कुछ, और यहाँ प्रेशर कुकर में खाना पक रहा है। सारा कपड़ा धुलाना कंप्लीट, बाहर चेक कर सकते हो, यहाँ देखो पूरा बाकी कपड़ा भी धुला दिया, एंड नहा के मैंने पूजा भी कर लिया। अभी पापा ने खाना रेडी करके दिया है, चेक करो, बटर यहाँ, फ्राई यहाँ, एकदम बढ़िया से। अभी खा के निकलते हैं, 15 मिनट बचा हुआ है, फिर ट्यूशन भी जाना है, वहाँ जाके मिलते हैं आप लोग से। 6.5 hours later. Boys, finally, पूरा ट्यूशन कम्प्लीट हो गया। अब देख सकते हो रात के 9:15 बज रहे हैं, अभी पापा भी घर में वेट कर रहा होगा मेरा, उनको भी पूजा वूजा करना है, खाना वाना डिनर वाना खाना है, तो फटाफट से घर चलते हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये ब्लॉग बहुत शॉर्ट था एक्चुअली, आप जानते हो सिचुएशन क्या था, तो मुझे ब्लॉग करने का मूड ही नहीं था, तो मैं सोचा यहाँ पे आके पूरा कंप्लीट करता हूँ, तो इसलिए पूरा दिन का सीरीज जो भी किया मैंने, सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश किया। एंड जो सपोर्ट दे रहे हो भाई, वो से सपोर्ट दे रहे हो, बहुत खुशी हो रहा है। चैनल जरूर डिमोनेटाइज है, पर आपके पास सपोर्ट, बहुत सपोर्ट से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, शॉर्ट्स में अच्छा आ रहा है, कोई ना कोई एक दिन कोई ना वीडियो वायरल हो ही जाएगा और बन ही जाएगा जो बनना है हमको ना, तो जल्द से जल्द 5K 10K करते हैं, और ये जर्नी हम लोग का बहुत दूर तक जाने वाला है गाइस। मैं हार नहीं मान रहा हूँ, इतना बदतर सिचुएशन हो चुका है अभी लाइफ का, तब भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हार जो मान लेते हैं उससे कुछ नहीं होता, और हार नहीं मानने वालों का जिंदगी बहुत आगे जाता है, राइट। सो मिलते हैं फिर से नए दिन में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाय बाय।